गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग नितिशा, अनिकेत, गुड इवनिंग गौरव, गुड इवनिंग प्रगति, गुड इवनिंग दुष्यंत, गुड इवनिंग तपस्या, गुड इवनिंग वैष्णवी, पूनम, गुड इवनिंग निधि, वेरी गुड इवनिंग ऑल। चलो बेटा, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो तो कंटिन्यू करते हैं। तो आज के इस सेशन में, जैसे कि आप लोग जानते हो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है ये स्टडी किए थे। तो आज के इस सेशन में बेटा हम लोगों को रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है ये देखना है। ओके, और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है, इसे स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक से कंसेप्ट जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बार डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली बेटा एक बार रिस्पॉन्स कर दो, मेरा ऑडियो और यहाँ पे जो वीडियो है वो प्रॉपरली आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा है? ऑडियो और वीडियो को लेके किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, वेरी गुड। तो फर्स्टली बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का जो स्टडी किए, तो उसमें प्लांट्स जो है उसका हमने कैटेगरीज देखे थे। तो प्लांट की हम लोगों ने दो कैटेगरी देखी थी, एक हम लोगों ने देखे थे मोनोकार्पिक प्लांट और एक हम लोगों ने देखे थे बायकार्पिक प्लांट। तो नाम से सिंपल समझ में आता है, मोनो मोनो मतलब क्या कह सकते हैं बेटा, ऐसे प्लांट जिसका एक ही बार, मोनो मतलब सिंगल, लाइफ में सिर्फ एक बार ही, कंप्लीट लाइफ स्पेन में यदि हम देखे तो उसमें लाइफ में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देखने को मिलती है। इस टाइप के जो प्लांट है ये कहलाते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? कभी कभी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें ऐसे प्लांट बेटा जो एनुअल और बायनुअल प्लांट है वो मोनोकार्पिक प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। ये हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में ऑलरेडी स्टडी किए। इसी के साथ साथ एक प्लांट आता है जिसे कहते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट। क्या आप बता सकते हो पॉलीकार्पिक प्लांट क्या होता है? वेरी गुड बेटा, पेरेनियल प्लांट। पेरेनियल मतलब देखो है तो प्लांट पेरेनियल, ठीक है, लेकिन फ्लावरिंग जो है उसमें मेनी टाइम चाहेंगे, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, मीन्स एंटायर लाइफ टाइम में उस प्लांट में अगेन एंड अगेन क्या होता है, फ्लावरिंग देखने को मिलती है। लेकिन इसमें देखिए कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है, कहने को तो पेरेनियल प्लांट है लेकिन वो जो रोल प्ले करते हैं वो कैसे, मोनोकार्पिक प्लांट की तरह करते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली जितने भी पेरेनियल प्लांट होते हैं वो पॉलीकार्पिक प्लांट में आते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे एक बैम्बू का स्पीसीज हम देखें और बैम्बू के साथ ही साथ यहाँ पे एक प्लांट है बेटा स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना, जिसे क्या कहते हैं, नीला कुरंजी, ठीक है। तो नीला कुरंजी जो होता है और बैम्बू का जो स्पीसीज है तो बेटा ये पेरेनियल प्लांट, बट सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, लाइफ में एक ही बार इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगा जो कि 50 से 50-100 ईयर्स के आसपास देखने को मिलता है और उसके बाद ये प्लांट का डेथ हो जाता है। यहाँ पे जो डायग्राम आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है बेटा ये क्या है, नीला कुरंजी, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना। ओके, तो ये जो प्लांट है ये यदि देखे तो 12 इयर्स में एक बार इसमें जो है क्या कह सकते हैं, फ्लावरिंग देखने को मिलता है। तो लास्ट टाइम बेटा सितंबर 2006 में जो है देखने को मिला था, ठीक है, लास्ट टाइम यदि देखे तो ये देखा गया है, ये एक डेटा है। ओके, तो ये है बेटा प्लांट स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना प्लांट, ठीक है, ये जनरली लोगों को अट्रैक्ट करता है बेटा, टूरिस्ट लोगों को। ओके बेटा, तो ये जो है ये कुछ एक्सेप्शंस है जो हम लोगों ने यहाँ पे देखे। देन फाइनली इसको हटाओ, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में हम लोगों को यहाँ पे जो स्टडी जो करना है, ओके, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों को यहाँ पे फर्स्टली प्लांट जो है और प्लांट का यदि हम पार्ट देखें
तो उससे रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों को कंसेप्ट समझना है, ठीक है? ओके, तो प्रॉपरली विजिबल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बोर्ड में? कंटिन्यू करें यहाँ पर। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, और प्लांट की यदि हम बात करें तो बेटा कौन से प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, मींस हर प्लांट में फ्लावर नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग जो एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं, एंजियोस्पर्म फैमिली से बिलोंग जो करते हैं प्लांट, उनके बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम लोगों को स्टडी करना है। तो जैसे कि बेटा ये एक प्लांट है, प्लांट की यदि हम बात करें तो अर्थ सरफेस हो गया, अर्थ सरफेस के साथ ही साथ प्लांट में ये जो पार्ट जो होता है एक रूट, मतलब प्लांट में दो पार्ट हमको देखने को मिलेंगे, एक इसमें आता है रूट सिस्टम और साथ ही साथ यहाँ पे आता है शूट सिस्टम। ओके, अब रूट सिस्टम और शूट सिस्टम की यदि हम बात करें तो प्लांट जो है इसमें, ठीक है, एक तो यहाँ पे आप लोगों को रूट देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे स्टेम देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ इसमें लीफ जो है, और लीफ के अलावा यहाँ पे प्लांट में इस तरह से क्या चीज फ्लावर भी देखने को मिलते हैं। ओके, ये क्या हो गया बेटा, एक जनरल सा एक ओवरव्यू है, नो प्रॉब्लम, ठीक है? हाँ, जनरल सा एक ओवरव्यू है प्लांट को लेकर के, ठीक है? तो प्लांट की यदि हम बात करें, स्पेशली बेटा फ्लावरिंग प्लांट जिसका हम लोगों को रिप्रोडक्शन स्टडी करना है, तो प्लांट में एक रिप्रोडक्शन का यदि हमको कंसेप्ट समझना है, तो प्लांट के लिए जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो होता है फ्लावर। मीन्स थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पर जो स्टडी करना है वो किस चीज की करना है, फ्लावर की करना है, क्योंकि अभी तक के हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रूट का स्टडी किए, रूट में हम लोगों ने क्या स्टडी किए, रूट का जो मेन रोल होता है ये होता है एब्जॉर्प्शन, मींस एक तो ये वाटर को भी एब्जॉर्ब कर रहा है और सम मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन जो है रूट की हेल्प से हो जाएगा। लीफ का भी रोल हम लोगों ने देख लिया बेटा, लीफ जो है सनलाइट से आने वाला जो एनर्जी है उसको कैप्चर करेगा और एटमोस्फियर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। इस तरह से प्लांट में हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म का स्टडी किए थे, जिसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने क्या समझे थे, तो फोटोसिंथेसिस में बेटा प्लांट जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, साथ ही साथ अर्थ से क्या है बेटा वाटर ले रहा है, क्लोरोफिल पिगमेंट इसके पास प्रेजेंट है, सनलाइट है, और उसी के साथ साथ ये फाइनली अपना जो फूड मटेरियल है ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लीफ का, स्टेम का, रूट का, ये सारा स्ट्रक्चर हम लोगों ने जो है ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, बट हमें इस पार्ट में हम लोगों को जो स्टडी करना है वो क्या करना है बेटा, फ्लावर के हम लोगों को स्टडी करना है। तो ये वाला पार्ट, तो उम्मीद करता हूँ किसी के भी साथ किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा, सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, चलो तो इस पोर्शन को स्टार्ट करने के पहले यहाँ पे हम लोग फ्लावर जो है और फ्लावर के जो टाइप्स हम लोगों को जो यहाँ पे स्टडी करना है वो हम देखेंगे, ठीक है? तो फ्लावर की यदि हम बात करें तो फ्लावर जो है, पहली चीज तो इस तरह से यदि हम देखें फ्लावर में, तो ये एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसे थैलेमस एंड पेडेंकल कहते हैं, जहां से फ्लावरिंग के डिफरेंट फ्लोरल पार्ट जो है वो ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है? तो इसी फ्लावर के इस पार्ट पे आउटर मोस्ट एक लेयर जो ग्रीन कलर का इस तरह से पार्ट निकला होता है, आपने देखे होंगे कुछ ऐसा होता है जो इसमें से ब्राइट कलर का आपको देखने को मिलेगा, ऐसा ऐसा होता है इसमें। इसी के साथ साथ इसी में हम लोग देखे तो कुछ इस तरह से बेटा, इसमें इस तरह से रिप्रोडक्टिव ओरल जो है ये प्रेजेंट होते हैं, और इसी तरह से रिप्रोडक्टिव ओरल के साथ ही साथ यहाँ पे इस तरह से अगेन एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब ये क्या क्या है, वन बाय वन हम देखते हैं, सेपल, पेटल, ठीक है, उसी के साथ साथ स्टैमेन एंड कार्पल्स, मींस प्लांट में जो फ्लावर है, फ्लावर में टोटल 4 ओरल प्रेजेंट होते हैं, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है? तो इसमें देखिए 2 जो ओरल रहेंगे वो एसेंशियल होते हैं और 2 जो होते हैं वो एसेसरी होते हैं। एसेंशियल में आता है एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब ये एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्या है, तो देखिए बेटा यहाँ पे प्लांट का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है प्लांट के लिए, ये कहलाता है स्टामेन, और स्टामेन जो है सिंगल के लिए हम टर्म के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब यही जब ग्रुप में जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो इसके लिए टर्म यूज होता है एंड्रोसियम। एज इट इज सिमिलर यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड की हम बात करें तो यहाँ पे प्लांट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का, उसे
स्पील कहते हैं, या फिर इसे को कार्पल्स भी कहते हैं। और ये तो एक सिंगल जो है कार्पल्स हो गया, लेकिन जब यही कार्पल्स जब ग्रुप में होंगे, बहुत सारे जब कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, तो स्केलेटम यूज होता है, वो कहलाता है गाइनोसियम। तो यहाँ पे हम लोगों को एक तो गाइनोसियम और एंड्रोसियम क्या है ये समझ में आ गया, यानी कि इस प्लांट में जो वर्ल्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये दोनों भी जो वर्ल्ड जो हमें जो दिखाई दे रहे हैं, ये हो गया कौन सा रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। इसी के साथ साथ जो दो आपको दिख रहे हैं, जैसे कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है ना, तो ब्राइट कलर का जो है प्लांट में ये फ्लावर में देखो दो चीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग, स्मेल जो है, नेक्टर जो है, ताकि इंसेक्ट पॉलिनेटिंग बर्ड्स उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाए, ब्राइटनेस देखने को मिलती है, अच्छा कलर उसका ब्यूटी। तो इसमें टू जो आते हैं वो आते हैं एसेंशियल वॉल। अब एसेंशियल वॉल की यदि हम बात करें, तो इसमें जनरली जो ग्रुप में कैलिक्स और करोला हम बोलते हैं, बट सिंपल टर्म में हम देखें तो एक तो होता है सेपल और एक होता है पेटल। क्या आता है? सेपल्स एंड पेटल्स आता है। अब सेपल्स और पेटल्स की हम बात करें, तो सेपल्स जो होता है बेटा, ये जो ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है ये सेपल्स कहलाता है, और आपको ये जो रेड एंड ब्राइट कलर का जो पार्ट दिख रहा है ये पेटल्स। सेपल तो ये सिंगल पार्ट के लिए हो गया, ठीक है, लेकिन ये जब ग्रुप में रहेगा तो सेपल्स को ग्रुप में क्या कहते हैं? कैलिक्स। और पेटल को क्या कहते हैं? कोरोला। ग्रुप में इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक मिनट बेटा, जूम जो है कुछ तो भी एरर दिख रहा मुझे। बेटा आप लोगों को मैं प्रॉपरली विजिबल हूं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मेरी विजिबिलिटी और ऑडियो को लेके किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, वेरी गुड, ग्रेट। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड ये कहाँ पे लगे? कहीं पे भी थोड़े लगेंगे। जो एक बेस जो होता है ना, जिसे थैलेमस कहते हैं, ठीक है, वहां पर ही ये सारे वर्ल्ड जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा था, एक ये और एक ये, ठीक है, दो टर्म्स जो है आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है बेटा? पेडिसेल। इसे क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं। और पेडिसेल के बाद ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं इसे? थैलेमस। इट इज ऑल्सो नोन एज रिसेप्टिकल्स। ओके, चलो, तो यही डायग्राम को थोड़ा सा कलरफुल जो हमारे पिक्चर्स है उसमें भी हम समझ लेते हैं, ताकि एक एक कंसेप्ट हमारा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो अभी देखिए बेटा, यहाँ पे फ्लावर जो है इसके हम लोगों ने फोर वर्ल्ड का स्टडी किए, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इसमें थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को जो पार्ट एक्सप्लेन किया, जिसमें से पहली चीज तो बेटा हम लोगों ने देखी, अभी मैंने बताया था रिसेप्टिकल्स। रिसेप्टिकल्स मतलब जहां पे बाकी के जितने भी वर्ल्ड जो है वो अरेंज रहेंगे, समझ गए। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो वर्ल्ड है, इसमें मैंने आप लोगों को क्या चीज, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो बताया था, इसमें एंथर स्टाइल, ठीक है, ये दो पार्ट में इसको एक मिनट, हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है एंथर और फिलामेंट ऐसा बताया, ये दोनों को मिला के कहते हैं स्टामेन, ठीक है। थोड़ी देर के बाद देखेंगे एंथर और फिलामेंट क्या होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बेटा जो गाइनोसियम मैंने बताया, इसमें भी इसने थ्री टाइप्स बताया है, ये भी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। वैसे आपको ये सारे बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, आपको इसमें किसी भी टाइप का प्रॉब्लम जो है ये नहीं होगा वैसे तो, ठीक है। पेटल्स जो है बेटा, जो ब्राइट कलर का आपको जो दिखाई दे रहा है ये पेटल्स है, और जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये होते हैं सेपल्स। ये याद रखना है, ग्रुप ऑफ सेपल्स जो है कैलिक्स कहलाता है, और ग्रुप ऑफ पेटल जो है ये क्या कहलाता है? कोरोला कहलाता है। यही डायग्राम बेटा यहाँ पे देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ा सा समझेंगे, सेम जो है देखिए तीन पार्ट, स्टिग्मा, स्टेल और ओवरी, ये हमारे कार्पल्स का पार्ट है। तो कार्पल्स जो बेटा, इसका जो इसे डिवाइड किया है थ्री पार्ट में, जो डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे बताया हुआ है कि कार्पल्स, स्टाइल और ओवरीज जो है, ठीक है,
ये क्या है और किस तरह से इसमें रहता है। ठीक है, तो अब देखिए बेटा इसमें थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें समझना है, फिर से वापस से उसी डायग्राम पे आएंगे। ठीक है, पहली चीज तो बेटा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो कि एक ही बॉडी में दोनों भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो सकते हैं, मेल और फीमेल। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में होता है जो कि मेल या फिर फीमेल कहलाता है। ठीक है, हाँ बता रहा हूं बेटा अनिकेत, थोड़ी देर के बाद। पेडेंकल मीन्स क्या कह सकते हैं हम लोग, जहां पे पेडेंकल मीन्स ये वाला पार्ट जहां से कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये पेडेंकल कहलाता है। ओके, इसका स्पेशल ऐसा कोई रोल नहीं रहता, बट वो सपोर्ट के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तभी तो बाकी के वर्ड वहां से ओरिजिनेट होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बता रहा था बेटा, जैसे कि स्पीसीज जो है एक तो मेल होती है और दूसरी फीमेल होती है। ठीक है, ये डिपेंड किस पर करता है बेटा, तो ये डिपेंड करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेसिस पे यदि हम स्पीसीज का क्लासिफिकेशन देखें तो यहाँ पे ऐसा होता है बेटा कि या तो एक ऑर्गन सिर्फ एक ही बॉडी पे रहेगा जिसके टर्म यूज होता है यूनिसेक्सुअल, या फिर दोनों भी ऑर्गन सिर्फ सेम बॉडी पे होगा जिसके टर्म यूज होता है बाइसेक्सुअल। ये भी हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किए हैं और इसको लेके आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस भी आए थे। ठीक है, तो अब देखिए बेटा यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल को लेके कभी कभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन जब मोनोसियस और डायसियस की बात आती है तो वहां पे गड़बड़ कर जाते हैं कि मोनोसियस में बाइसेक्सुअल में आएगा या यूनिसेक्सुअल में। तो देखो बेटा यूनिक का मतलब सिंगल होता है और मोनो मतलब एक होता है, तो इनका आपस में रिलेशन कभी भी नहीं होगा, ऐसा आप याद रख लो। जैसे मैंने इंसुलिन बताया था ना, इंसुलिन और डायबिटीज इंसिपिडस, आई का रिलेशन आई के साथ नहीं होता, ऐसा हमने देखे थे। सिंपल बेटा मैंने ऐसे याद रखा हूं, आप लोग भी ऐसे याद रख सकते हैं, कोई और ट्रिक भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यूनिसेक्सुअल मीन मोनोसियस नहीं होगा। ठीक है, मोनोसियस किस में आएगा बेटा, मोनोसियस मीन्स आता है बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, मोनोसियस मतलब एक ही बॉडी दोनों ऑर्गन प्रेजेंट है, यूनिसेक्सुअल मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे होता है डायसियस। डायसियस मतलब क्या हो गया बेटा, दोनों भी ऑर्गन अलग अलग बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से एक तो यूनिसियस और मोनोसियस, यूनिसेक्सुअल और डायसियस, मोनोसियस और बाइसेक्सुअल जो है आप ये याद रख सकते हो अच्छी तरह से। ठीक है, इसी के साथ साथ एक हर्माफ्रोडाइट करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हर्माफ्रोडाइट की यदि हम बात करें तो हर्माफ्रोडाइट मीन्स ये किसमें आता है, तो हर्माफ्रोडाइट कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा बेटा हमारा, बाइसेक्सुअल, दोनों भी ऑर्गन एक ही में जब प्रेजेंट होंगे तो इसके लिए टर्म यूज होता है क्या जी, इसे कहते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट भी आप लोगों का क्लियर होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बेटा कुछ फ्लावर ऐसे होंगे प्लांट में जिसमें बेटा दोनों भी वर्ल्ड जो है वो सेम स्पीसीज में देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे होंगे जो अलग अलग होंगे, जैसे हम एनिमल में हम देखते हैं बेटा तो अर्थवॉर्म। ठीक है, अर्थवॉर्म की यदि हम बात करें तो कैसा है, दोनों भी ऑर्गन जो है एक ही इसमें होता, मीन्स बाइसेक्सुअल हो गया। समझ गए, मैंने आपको एक और एग्जांपल बताया था, जैसे कारा की हम बात करते हैं प्लांट में, तो कारा जो है ये कैसा हो गया, कारा में भी दोनों भी ऑर्गन जो है एक ही बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किए हैं, तो ये कुछ एग्जांपल्स है बेटा, मैंने जो होमवर्क भी दिया था आपने की, कुछ जिन लोगों ने मुझे कंप्लीट करके बताए हैं कल के टेस्ट में +5 उनके मतलब -5 नहीं हुए। ठीक है, +5 ही कहेंगे हम उसको, एक गलत होगा तो माइनस होता है ना, और एक सही होगा तो +5 ही कहेंगे, तो ऐसे ही हुआ होगा एनिमल्स। हाँ बेटा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे हमें समझना है, ठीक है, वापस से हम उसी पार्ट पे आते हैं, कौन सा, एक काम करता हूँ। ठीक है, पहले तो और भी थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट जो है मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ, फिर स्लाइड, हम दोनों तरीके से चलेंगे बेटा, कुछ एनिमेशन भी है आज के इस लेक्चर में, यदि हम वहां तक पहुंचते उतने कंसेप्ट तक के, तो एनिमेशन से भी समझाऊंगा, बोर्ड पे भी बताऊंगा, स्लाइड से बताऊंगा। एनी हाउ मेरा टोटल गोल से यही है कि आपके एक एक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब लास्ट टाइम और इस बार के पेपर को लेके कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन था कि सर क्वेश्चंस जो है आप जैसे कि नीट 2020 की बात करें तो यहाँ पे पेपर टोटल एनसीईआरटी बेस्ड आया है। ठीक है,
और आप यहाँ पे एनसीईआरटी के बाहर से भी पूछ रहे हो, तो बेटा मेरा टारगेट जो है वो 360 आउट ऑफ 360 है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई भी स्टूडेंट इसके साथ कुछ भी कंप्रोमाइज करे, समझ गए। इसलिए आपके जो स्कोर जो होना चाहिए वो 360 आउट ऑफ 360 ही आना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। मेन हमारे लिए एनसीईआरटी है, बहुत अच्छी बात है, और एनसीईआरटी तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताओ थोड़ा सा एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा 20% आप कुछ पढ़ लेंगे तो कुछ बिगड़ेगा क्या? नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ऐसा लगता है तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, 1 मिनट में अपने मैसेज आया मुझे एक स्टूडेंट का, उसने मुझसे डाउट पूछा है। अभी वैसे भी आप लोगों का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो हुआ है, वैसे भी कंप्लीट है ना, तो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछता हूँ, आपको आंसर देना है। किधर गया? जस्ट इसी बार का एक क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि क्या है, एक क्वेश्चन जो है बेटा आपका रैंक जो है वो डिसाइड करता है, ठीक है। मुझे जल्दी से आंसर देंगे चैट में। क्वेश्चन है, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। चार ऑप्शन दिख रहे हैं, डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज। आंसर देंगे बेटा सेंडे, आई थिंक ये रिद्धि होंगी बेटा, रिद्धि नहीं, नो कस्तूरी, नो कलश, सब लोग गलत हो रहे हैं उस पे, क्वेश्चन ध्यान से सुने नहीं। अब लाइगेज कैसे आ जाएगा? नहीं बेटा नहीं है अनिकेत, हाँ ये हमारी गलती है, क्योंकि हम सिर्फ एनसीईआरटी को रट रहे हैं, ठीक है, या फिर एनसीईआरटी को समझे भी हैं तो हम क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हैं, या फिर हमें गलत फहमी हो गई है कि सारा कुछ एनसीईआरटी से ही आ रहा है। बेटा ये एनसीईआरटी का ही है, लेकिन ये एनसीईआरटी में ऐसी डायरेक्ट लाइन नहीं दी है, समझे। कई लोग उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और मुझे आपको 360 का टारगेट लेके चलना है, ठीक है। 360 मीन्स 360, क्योंकि जब हम कंप्लीट टारगेट रखेंगे ना तो अपना फुल पोटेंशियल लगा के स्टडी करेंगे, और आपने अपना टारगेट 300 100+ रखे ना, तो मैं पूरा गारंटी देता हूँ 300+ आप टारगेट रखोगे तो 300 से आप कितने आओगे, 220 से आपका स्टार्टिंग होता है, और जिसने 360 रखा ना तो वो कंप्लीट पढ़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये आप लोगों को अपना ध्यान रखना है कि आपको अपना टारगेट कैसे रखना है, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। हाँ तो क्वेश्चन रिपीट करना है दोस्तों, ठीक है बेटा, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं दोस्तों, देखो क्वेश्चन है, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन है डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए लाइगेज। साइली का आंसर अभी सही है बेटा, वेरी गुड। प्रगति नहीं, हाँ कस्तूरी अभी आप सही हो, ठीक है बेटा। रिद्धि में बता रहा हूं आंसर क्या है, नो अनुष्का, वेदांती, अब बी क्या था मैं भूल गया, नहीं बेटा वेदांती, हाँ ईश्वरी आप सही हो, सेजल आप भी सही हो, दिव्या शॉर्टकट में आंसर नहीं चाहिए, पॉलीमरेज 2 है वहां पर, यार ए भी मत बताओ, मैं ए भी भूल गया वहां पे क्या था, ठीक है वेरी गुड, हाँ बेटा कलर्स गुड। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है, ये डीएनए है, डीएनए के स्ट्रैंड को हमें सेपरेट करना है ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, तो यहाँ पे डीएनए हेलिकेज एंजाइम यूज होता है, लेकिन यही चीज जब ट्रांसक्रिप्शन की हम बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन में बेटा आरएनए पॉलीमरेज ही है जो एंजाइम बाइंड करता है ना, उस टाइम पे क्या है वो डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट करने में हेल्प करता है, अलग से वहां पे हेलिकेज एंजाइम नहीं आता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए को टेम्पलेट मानते हो, आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है ना, तो वहां पे हेलिकेज को क्यों बुलाना है हमको, वहां पे स्ट्रैंड सेपरेट हो रहा है तो वहां पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही काम करता है, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है। तो यदि आप सिर्फ एनसीईआरटी को रटोगे तो फिर इस क्वेश्चन को गलत कर जाओगे, जिसमें आपका डायरेक्टली 5 मार्क्स का फर्क पड़ता है, और 5 नंबर पे कितना रैंक बनता है आप खुद ही समझ लो, कितना रैंक आ सकता है। तो बेटा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी ही, लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ हमको कुछ ऐसा भी जाना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और सेकंड थिंग यहाँ पे देखो, यदि आप लोगों को मेरे जो टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको लेके यदि किसी को ऑब्जेक्शंस है, ठीक है, तो वैसे तो आप लोग तो क्लास कर रहे हो, आप लोगों को ऑब्जेक्शंस नहीं है, बट जो लोग क्लास में नहीं है मे बी उन लोगों को ऑब्जेक्शंस हो सकता है,
ठीक है। तो देखिए बेटा, पहली चीज तो कई लोग टेस्ट देना छोड़ दिए हैं या लाइटली ले रहे हैं। बेटा मेन प्रैक्टिस हमारा यही है, क्योंकि आपने जितना भी पढ़े हो उसका आउटपुट आपका रिजल्ट टेस्ट के थ्रू ही समझ में आएगा। तो हर एक टेस्ट को नीट 2021 के एग्जाम है ये मान के चलो और सॉल्व करो, समझे, ओवर कॉन्फिडेंट में बताओ पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि मैं चाहूं तो आपका एकदम इजी लेवल का भी पेपर निकाल सकता हूं, और मैं ऐसा भी हो सकता है कि एकदम हार्ड लेवल का भी पेपर निकाल सकता हूं। तो बेटा इजी लेवल का पेपर निकाल के मुझे आप लोगों का ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बढ़ाना है, समझ गए, और एकदम बहुत हार्ड लेवल का पेपर यदि निकाला तो आपका मोरल को भी डाउन नहीं करना है मुझे। तो जो आप लोगों के लिए इसेंशियल है पहली चीज, जो आपके लिए जरूरी है, और नीट 2021 में जो चीज आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी वैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे सेट करता हूँ। और क्वेश्चन सेट करने में ऐसा नहीं कि मैं कोई भी उठा के क्वेश्चन दे देता हूँ, थोड़ा एनालाइज करता हूँ, साथ में मेरी जो टीम है, मेरे जो फ्रेंड्स है, मेरे कलीग्स और मेरे इवन ये कह सकते हैं कि हमारा जो सपोर्ट है, ठीक है, सिर्फ हमारे इसी सेक्टर को लेके नहीं, मेरा बाकी जगह पे जो कनेक्टिविटी जो है, जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हेड है किसी ना किसी ब्रांच में, ठीक है, बायोलॉजी के हेड की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, कोटा लेवल तक के, तो उनके साथ भी मेरा डिस्कशन चलते रहता है। और उस लेवल पे बेटा यहाँ पे मैं आपको टीच कर रहा हूँ, उस लेवल पे यहाँ पे मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी सेट कर रहा हूँ, ठीक है, जो आप लोगों के लिए जरूरी है। तो माइंड से एक कंफ्यूजन को निकाल लो कि मैं यहाँ पे आपका बुरा करूंगा क्योंकि आपको ऐसा लगता है, तो 2020 का पेपर उठाओ और जितना अभी तक के आप लोगों को मैंने पढ़ाया हूँ उसको देख के एनालाइज कर लो कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, और मैं आपके सामने अपने आप को, अपने सामने मेरे को रख के देख लो कि मैं आपका बुरा करूंगा कि कहीं से कहीं तक, तो कहीं ऐसा नहीं होने वाला बेटा, समझे। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है, और जो भी पढ़ा रहा हूँ उस पे आपको भरोसा करना पड़ेगा बेटा। यदि जिन लोगों को बिलीव नहीं है तो फिर आप कहीं पे भी चले जाओ कुछ फायदा नहीं होने वाला, भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे पे भरोसा करो, लेकिन मैंने जो आउटपुट दिया हूँ, ठीक है, वो मेरे फायदे के लिए नहीं है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बात नहीं करना मुझे, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके साथ बहुत सारे डिस्कस कर सकता हूँ, बट हम लोगों का जो इसके पहले 2020 एनालिसिस को लेके जो डिस्कशन हुआ उसमें मैंने बहुत सारी बातें आपको बताया हूँ बेटा, अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कहाँ पे एनालाइटिंग थिंकिंग है, कहाँ पे क्रिटिकल अप्रोच को फॉलो करना है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने वहां पे बताया हूँ, किस लेवल पे क्वेश्चंस पूछा है और उस क्वेश्चन को पूछने का रीजन क्या है, हमारे मेंटल की कैसी एबिलिटी को चेक करना चाह रहा है, क्योंकि वो चेक करने के बाद ही आप डॉक्टर बन पाओगे। नीट का मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी को रट लो, चार में से एक ऑप्शन को लगा दो और आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं होता बेटा। आपको अभी तक की वो चीज समझ में नहीं आई है, एक बार मेरा नीट 2020 एनालिसिस वाला लेक्चर देखना, समझ में आ जाएंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है और मेंटल लेवल कैसे होना चाहिए, और एक्चुअली एग्जामिनर हमारे किस लेवल को चेक करके हमको सेलेक्ट कर रहा है, वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी रट लेना और एग्जाम दे देना ये जरूरी नहीं है, ओके। चलो क्लियर हुआ बेटा, आगे बढ़े, किसी का क्या रिस्पॉन्स है? हाँ बेटा, गुड प्राची, थैंक्स। चलो तो यहां पे अभी तक के हम लोगों ने जो देखे फ्लावर के लिए, हाँ बेटा दुष्यंत, फ्लावर के लिए यूज होगा, फ्लावर के लिए भी होगा, एनिमल पे भी ये अप्लाई होता है। और कैसे कुछ क्वेश्चन पूछना है? यदि हाँ तो पूछो, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर ठीक है, गुड। फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो हम जानते हैं बेटा, एक तो मेल गैमेट्स होगा और दूसरा आएगा फीमेल गैमेट्स। और मेल और फीमेल गैमेट्स की यदि हम बात करें तो मेल और फीमेल गैमेट्स जो है ये आपस में फ्यूज होते हैं, देन फॉर्म होता है जायगोट। तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं दोनों भी होते हैं हैप्लॉइड, और इससे एक डिप्लॉइड बॉडी मींस डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट का फॉर्मेशन मींस ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन, या इसी को सिनगेमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को सिनगेमी भी कहते हैं, ओके। तो अभी यहाँ पे देखिए फर्टिलाइजेशन या फिर सिंगेमी की हम बात करें तो पहली चीज तो यहाँ पे देखिए दो गैमेट्स आपस में आए, फ्यूज हुए, देन फाइनली क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो अभी यहाँ पे इसके बाद कंप्लीट एक बॉडी जो है वो प्रोड्यूस होंगी, जो क्या रहेंगे? डिप्लॉइड रहेंगी। तो इसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है?
मेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे हम लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट के लिए हमें समझना है। तो प्लांट प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो होता है फ्लावर, और फ्लावर में बेटा स्टामेन जो होता है ये क्या हो गया बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब यहाँ पे स्टामेन की यदि हम बात करें तो स्टामेन जो है ठीक है, इस तरह से यहाँ पे मैं इसमें एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ये ऐसा एक बॉडी होता है बेटा। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये एंथर कहलाता है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या चीज, फिलामेंट कहलाता है। और ये इस तरह से पेडेंकल जो मैंने बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले, उससे ऐसे कनेक्टेड है। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे ये एंथर और ये जो फिलामेंट है, यदि हम यहाँ पे देखें तो इसमें एंथर जो है और फिलामेंट जो है ये कौन सी जगह पे लगा हुआ है, ये क्वेश्चंस भी हमें आता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कई लोग जो है इस क्वेश्चन को इस लेवल पे यहाँ पे सॉल्व नहीं करते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं ठीक है। तो इसमें देखिए बेटा एंथर जो है इस पेडेंकल को लेके कहा जाता है, तो ये जो होगा बेटा डिस्टल पार्ट हो गया, ये कैसा है, ये डिस्टल पार्ट, और ये वाला जो हो गया ये प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया। तो एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकता है कि क्या चीज एंथर जो है ये कौन से रीजन पे प्रेजेंट है, लाई करता है, तो ये कौन सा डिस्टल एंड पर लाई करता है, रिस्पेक्ट टू पेडेंटल जो है ये देखा जाता है। तो ये हो गया एंथर का पार्ट। अब इसी एंथर पे यदि हम इसके सेक्शंस को कट करें तो एंथर को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एंथर क्या होता है। तो एंथर यदि हम देखें बेटा तो पहली चीज तो एंथर जो है ठीक है, इसमें टू लोब हमको दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला दूसरा ये वाला, ऐसे हमको टू लोब देखने को मिलते हैं प्लांट में। तो ये जो एंथर है जिसमें टू लोब होते हैं इसलिए इसे क्या कहते हैं बेटा, बाइलोब कहते हैं। एंथर कैसा होता है बेटा, बाइलोब होता है ठीक है। अब बाइलोब के साथ ही साथ यहां पे देखिए, अब जैसे कि एक सिंगल लोब को यदि मैं देखो ये वाला, और इसे यदि यहां पे देखो और समझू तो इस तरह से बेटा ये एक ये वाला हो गया ग्रीन वाला पार्ट, और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक जो ये रेड वाला है ना, तो इस तरह से बेटा ये फर्स्ट लोब हो गया और ये क्या हो गया सेकंड लोब। लेकिन बेटा दोनों भी जो लोब है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, तो जो दोनों भी पार्ट में जो डिवाइडेड है ये दोनों भी लोब, ये कहलाता है थीका। तो इसमें देखो एक ये वाला पार्ट आ रहा है और इसी के साथ साथ इसमें ये ब्लू वाला आ रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है थीका। तो इस तरह से कितने थीका, इसमें दो थीका यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एंथर जो होता है इसमें टू लोब होने की वजह से बाइलोब, और दो थीका यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और टू थीका यहाँ पे प्रेजेंट है उसकी वजह से इसे क्या कहते हैं, डायथीकस। ओके तो डायथीकस कंडीशन कई लोगों को समझ में नहीं आती, उनको क्या लगता है कि ये दो है तो इसी को बाय और इसी को डायथीकस कह देते हैं खत्म, ऐसा कई लोगों को लगता है, बट ऐसा नहीं है बेटा। यहाँ पे ये एक ग्रीन वाला जो पार्ट है इतने पार्ट को मैंने बताया, और ये रेड वाले में भी बेटा ऐसा दो थीका है। ये पार्टीशन नहीं बोल रहा हूँ बेटा, ये पार्टीशन मतलब एक दीवार, बट दीवार की वजह से जो दो रूम अलग अलग डिवाइड हो रहे हैं तो जो रूम है वो थीका कहलाते हैं, समझे। तो पार्टीशन को हम थीकस नहीं कह रहे, ये बात याद रखना, नहीं तो कई लोग उस पार्टीशन को कंसीडर करते हैं। ओके किसी का कोई डाउट है क्या बेटा, सेकंड लोब में भी थीका है, यहाँ पे ये फर्स्ट थीका है, यहाँ पे सेकंड थीका है, जैसे यहाँ पर है ऐसे यहाँ पर है, मैंने एक ही साइड समझाया हूं तो दोनों साइड पे वो अप्लाई करते हैं ठीक है बेटा। कल्याणी ब्लर दिख रहा है क्या, सभी लोगों के साथ प्रॉब्लम है क्या बेटा ब्लर का, वीडियो क्वालिटी में कुछ इफेक्ट आया है क्या, नहीं है ओके है सारी चीजें, मेरे साइड से प्रॉब्लम नहीं है बेटा, फिर जिसको ब्लर दिख रहा था अब सही है। ओके अब देखो यहां पे बेटा जब भी जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट खुद से लेते रहना, ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए यहां पे यदि हम इसको सेक्शंस को ऐसे कट करते हैं, और कट करने के बाद यदि हम इसे देखेंगे तो ये हमें कैसे दिखाई देगा,
देखो हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ऐसा समझ गए। तो इसमें देखो दो लोब है हमको, ये एक साइड का लोब हो गया और ये क्या हो गया दूसरे साइड का लोब हो गया। फिर उस लोब में ये वाला एक थीका हो गया, ये वाला दूसरा हो गया, इधर एक थीका हो गया और ये वाला दूसरा थीका हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये ऐसा ये एक बॉडी रहती है प्लांट में, यदि हम देखेंगे और उसको कट करेंगे तो उसमें हमको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो टू लोब है और एक एक लोब में दो दो थीका प्रेजेंट है, इतना समझा। दो थीका वन लोब क्या है कलश, नहीं समझा गया, अभी समझा गया कलश बेटा, अब समझ में आ गया होगा। एक लोब में दो थीका प्रेजेंट होते हैं कलश, रिस्पॉन्स करो। ओके ठीक है गुड। अब देखिए यहां पे ये जो डायग्राम मैंने बनाया हूं इसमें जनरली जो एंथर जो होता है, एंथर नहीं स्टामेन जो होता है, इस तरह से ये जो पेडेंकल है इस पेडेंकल से इस तरह से स्टामेन कनेक्टेड होता है, ओरिजिनेट होता है। बट कुछ कंडीशन ऐसी होती है उसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारा सेकेंड वॉल जो था क्या कहलाता है पेटल, जस्ट वेट बेटा मैंने कंप्यूटर को चार्जिंग पे नहीं लगाया था, ओके जस्ट वेट। देखिए तो अभी यहां पे हम लोगों ने क्या समझे, अभी मैंने यहां पे सिंपल ये एंथर जो है ना पेडेंकल से लगा हुआ है ये बताया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ प्लांट ऐसे होते हैं उसमें एंथर जो है जैसे कि ये कोरोला है, तो इस कोरोला से इस तरह से एंथर निकलते हैं, समझ गए। तो जब इस कोरोला से एंथर जब निकलते हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं इपी पेटेलस कंडीशन, क्योंकि पेटल से ये क्या कहलाएगा इपी पेटेलस कंडीशन, ओके। इपीपेटलस क्या होता है, इपीफाइलस क्या होता है, वैसे भी ये बेसिक पार्ट हम लोगों ने प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़े हैं, ठीक है, कुछ लोगों का हुआ है कुछ लोगों का नहीं हुआ है, ठीक है। पोलन ग्रेन से रिलेटेड अभी आगे बढ़ रहे बेटा साहिल, वेट करो, ठीक है ओके चलो। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, एक बार स्लाइड पे आते हैं वंस अगेन और वाले पार्ट को समझते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बेटा मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या बता रहा था, अभी एंथर हम लोगों ने समझे, ठीक है। एंथर का मैं जो है क्रॉस सेक्शंस कट करके भी बताऊंगा, तो ये एंथर और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है वो क्या है फिलामेंट है। तो एंथर और फिलामेंट दोनों भी आपस में ज्वाइन होते हैं तो क्या बनाता है बेटा, वो कहलाता है स्टामेन, इधर साइड इस डायग्राम में बताया है, ठीक है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट ये जो है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल गाइनोसियम, ये हम लोगों को देखना है, अभी बता रहा हूं मैं जस्ट, ईपी वाला बताओ ईश्वरी। देखिए ईपी पेटलस का मतलब क्या है, ये पेटल्स हैं, इस पेटल्स पे जब स्टामेन ओरिजिनेट होता है, अभी मैंने क्या बताया स्टामेन कहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है, देखो इस डायग्राम पे देखो आपको स्टामेन जो दिखाई दे रहा है ये कहां से लगा हुआ है, देखो इसमें स्टामेन, इसमें आपको क्या दिख रहा है बेटा स्टामेन इस थैलेमस से होते हुए ऐसा ओरिजिनेट हो रहा है, दिखाई दे रहा है ये ऐसा। बट कभी कभी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ पे इस तरह से सपोज ये वाला जो पार्ट ब्राइट कलर का जो होता है कोरोला, तो इस कोरोला से आपको ऐसा स्टामेन निकला हुआ दिखेगा। तो ये जो कोरोला से जब इस पेटल से जब स्टामेन इस तरह से निकला हुआ है तो इस कंडीशन को इपी पेटेलस कहते हैं, ठीक है, क्या कहलाता है ये इपी पेटेलस कंडीशन कहलाती है, ओके क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम लोग यहां पे नेक्स्ट पार्ट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं कार्पल्स कहते हैं, इसी को पिस्टिल भी कहते हैं, ठीक है। आपको एक पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन करके क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो कार्पल और पिस्टिल की यदि हम बात करें तो इस तरह से बेटा ये ऐसा एक बॉडी होता है, ठीक है। तो यहां पे ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा एक ऐसी जगह है जहां पे इधर से जो पॉलन ग्रेन्स है ये आके क्या करेगा लैंड करता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे पॉलन ग्रेन्स की लैंडिंग होती है उसे कहते हैं स्टिग्मा।
सेकेंड पार्ट जो होता है ये कहलाता है स्टाइल, और ये जो नीचे का स्वेलेंट पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है ओवरी। क्या कहलाता है? ओवरी। ओवरी में यहाँ पे हम देखें तो प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा, जैसे हम लोगों ने ह्यूमन में पढ़े ना, तो एज इट इज यहाँ पर भी क्या चीज प्रेजेंट होता है? प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा पे बेटा इनसाइड में स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस तरह से, ये कहलाता है ओव्यूल। और इस ओव्यूल में बेटा प्रेजेंट होता है फीमेल गैमेट, दैट इज एग। समझे? तो ये हो गया बेटा कार्पल्स का डायग्राम। कार्पल्स में स्टाइल, ओवरी और स्टिग्मा, ये तीन पार्ट याद रखना है। गौरव बेटा गलत साइड मैसेज आ रहा है, मैं देख नहीं पाऊंगा, मैसेज दूसरी साइड में करो। ठीक है, ब्रिंजल आता है बेटा जानवी, इपीपेटलस, इपीपेजल, ऐसे ट्रिक है। प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़े होंगे आप लोगों ने, इपीपेटलस, इपीफाइलस, हाँ आती है, कंडीशन आती है। ठीक है, मैं प्लांट मॉर्फोलॉजी का लेक्चर लूंगा बेटा, उसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अभी हम जनरल जनरल से कंसेप्ट, मेन जो पार्ट है हम यहाँ पे क्या चीज फ्लावर के मेन जो पार्ट है रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में हम कंसेप्ट समझ रहे हैं। क्लियर हो गया? अभी चला जा, पॉइंट पहुंच रहे हैं हम लोग, वहां पर भी पहुंच रहे हैं, वेट करो। हाँ, जिनका मॉर्फोलॉजी नहीं हुआ है उन लोगों का मॉर्फोलॉजी में करवाऊंगा, डोंट वरी। जिनका ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं हुआ है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अभी लेक्चर्स बेटा न्यू बैच में मेरे स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग में भेज देता हूँ, चाहो तो आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, बट बेटर ये रहेगा कि रिकॉर्डिंग लो और वहां से देख लो, आपका साथ ही साथ बहुत सारी चीजें हो जाएगी। इसी के साथ साथ बेटा जो एलकेम और अंबाझरी स्टूडेंट है उन लोगों को मैं दो लेक्चर जो है बेटा सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, कौन सा? ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज का एक लास्ट लेक्चर है बेटा, जिसमें अस्थमा को लेके मैंने स्पेशली बहुत अच्छे से बताया है, वो जरूर देखना, क्योंकि उस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं 5-10 मिनट जाएगा आपका। और साथ ही साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस को लेकर के मैंने वहां पे एक ट्रिक बताया हूँ, वो जो न्यूमेरिकल वाले जो डिजिट वाले जो कंसेप्ट है ना, उसके थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, थोड़ा अपडेट मॉडिफाई करके। तो वाला लेक्चर आप लोग चाहो तो देख सकते हो बेटा, यदि किसी को नहीं समझ में आया तो पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा कौन सा प्रॉपर है और कितने टाइम से आपको देखना है, तो उतना पार्ट आप देख लो, बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है उसमें। ठीक है, सर, ये कार्पल्स और पिस्टल समझ में आ गया? हाँ, भंडारा वाले भी देख सकते हो बेटा, यदि आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं हुआ है तो जितने भी लेक्चर्स है ना ह्यूमन फिजियोलॉजी के, रिकॉर्डिंग तो मैं पोस्ट कर ही रहा हूँ ग्रुप में, आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे लेक्चर बेटा हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे मैं पोस्ट करता हूँ। आई थिंक निधि ये कौन है पता नहीं मुझे, आप ज्वाइन नहीं किए बेटा? देखिए बेटा, स्टिग्मा के दोनों लोग जो है इस क्या एंथर के दोनों लोग स्टिग्मा के ऊपर ही रहे जरूरी नहीं है बेटा, दोनों कंडीशन होती है, किसी इसका एंथर छोटा होता है, किसी का एंथर बड़ा होता है, किसी का इक्वल होता है, ये डिपेंड करता है, वेरी करता बेटा स्पीसीज टू स्पीसीज। ओके, देवानी का हैंड रेज हो रहा है, क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? चैट में रिस्पॉन्स करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कार्पल्स हम लोगों ने स्टडी कर लिए, अभी कार्पल्स को लेके किसी को कुछ पूछना है? आज का बेसिक लेक्चर है। निधि, टेलीग्राम आईडी क्या है? आप अभी तक के बेटा आपको टेलीग्राम आईडी नहीं पता है, कोई बात नहीं, यूट्यूब के लिंक मिलती होंगी बेटा आपको, इसके पहले का मेरा यूट्यूब का जो लिंक होगा वहां पे जाना, उसमें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आईडी मिल जाएगा बेटा, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, या मुझे पर्सनल मैसेज कर दो, बट बेटर ये रहेगा कि आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, क्योंकि यूट्यूब का लिंक तो पहले भी मिला होगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ चलो बेटर, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। कहाँ तक पहुंच गए अपने स्लाइड पे देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें देखिए, पहली चीज तो क्या चीज, यहाँ पे मैं आप लोगों को जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो इस कंसेप्ट में एक मिनट, हाँ क्या हुआ, हाँ तो यहाँ पे देखिए बेटा, हम लोगों को ये जो पार्ट है अंदर ओवरी वाला, इसमें हमको ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये दिख रहा है बेटा ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल के साथ ही साथ यहाँ पे पहली चीज तो देखिए, ओव्यूल और ओवरी, ठीक है, तो ओव्यूल जो है एक से ज्यादा हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक सिंगल ही हो। ठीक है, ओव्यूल जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो हम लोगों ने इस तरह से जो गायनोशियम जो देखे, ये भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो ओव्यूल्स हैं और ये जो ओवरी है, ये क्या है?
ओव्यूल और ये ओवरी। तो ओवरी जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवरी से बेटा फ्रूट का डेवलपमेंट होता है और ओव्यूल से सीड का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो है वो सीड बनाता है क्योंकि अंदर है, और ओवरी बाहर है, क्या बनाता है? फ्रूट बनाता है। अब ये जो कार्पल से बेटा ये सिंगल भी हो सकते हैं, जब सिंगल रहे तो इसको मोनोकार्पलरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मोनोकार्पलरी। लेकिन ये जब बहुत सारे रहे तो इसके लिए कंडीशन चेंज हो जाती है, जिसे पॉलीकार्पस कहते हैं। ठीक है, मल्टी बहुत सारे जब ओवरी होगा तो ये क्या कहलाएगा? पॉलीकार्पलरी ओवरी या पॉलीकार्पस कंडीशन। इस पॉली में बेटा दो कंडीशन बनती है, ऐसे जब बहुत सारे गाइनोसियम जो रहेंगे, मतलब गाइनोसियम मींस कार्पल, जब बहुत सारे रहेंगे तो उसको गाइनोसियम कहते हैं ना, तो वो या तो ऐसे किसी के साथ जुड़े हुए रहेंगे, फ्यूज रहेंगे, या फिर ये अलग अलग रहेंगे। तो दो कंडीशन बनती है, या तो फ्यूज होगा या फिर फ्री फॉर्म में होगा। तो जब ये फ्यूज होता है तो इसे सिनकार्पस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिनकार्पस। और जब फ्री कंडीशन होती है तो फ्री के लिए यहां पे टर्म यूज होता है एपोकार्पस। ये सारे पार्ट में टेस्ट लूंगा, उसमें भी दूंगा, एनसीईआरटी का बाहर का नहीं है, ये सारा प्लांट मॉर्फोलॉजी में है, बट बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। और रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो ध्यान दो, क्योंकि तो इस बार बहुत से स्टूडेंट के स्कोर कम आए हैं। ठीक है, कम, जरूरत से ज्यादा कम आए हैं, क्योंकि मैंने क्लास में भी बेटा डिस्कशन में बहुत सारे क्वेश्चन लिया हूं आप लोगों का। ठीक है, तो कंटिन्यू बेटा दो से तीन जो टेस्ट है उसमें आप लोगों के स्कोर जो कम दिख रहे हैं मुझे। समझ में आ गया? ओके, तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें किसी को कुछ पूछना है? सिनकार्पस का स्लाइड में दिखाता हूं बेटा, मैं बाद में आपको एपोकार्पस जो है इसका पिक्चर्स में बाद में दिखाता हूँ, कल्याणी निधि दिखाता हूं मैं बाद में। ये इसमें किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़े, चलो। मोनोकार्पस और पॉलीकार्पस रिपीट करना मैंने मिटा दिया। देखो बेटा यहाँ पे डायग्राम से समझाता हूं। देखो मैं क्या बता रहा हूं, ये ओवरी है, स्टाइल स्टिग्मा। ठीक है, ये यदि सिंगल रहेंगे तो मोनोकार्पस। एक फ्लावर में बेटा ऐसे बहुत सारे ओवरी हो सकते हैं। समझ गए थे कितने सारे ओवरी है? जब ऐसे बहुत सारे ओवरी रहेंगे तो पॉली, जब एक ही ओवरी रहा तो ये क्या कहलाएगा? मोनोकार्पस। अब ये ओवरी आपको चिपके हुए दिख रहे हैं आपस में एक दूसरे से, एक दूसरे से चिपके मतलब फ्यूज है, फ्यूज है मीन्स क्या हो गया? सिनकार्पस। ये ऐसे भी हो सकते हैं बेटा कि एक यहाँ पर है थोड़ा सा दूर में, फिर यहाँ पर है थोड़ा सा दूर में, यहाँ पर है, तो ये क्या है? फ्री फॉर्म में है, चिपके है क्या? नहीं है। तो ये कंडीशन क्या आती है? एपोकार्पस। अब ये एक्चुअली देखो फ्लावर को ऐसे राउंडेड में आप जब बनाओगे ना तो राउंडेड में ऐसे आपको दिखाई देगा, ऐसे एक स्ट्रेट नहीं रहता ना फ्लावर, फ्लावर तो ऐसे राउंडेड रहता है, उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अपना अपना स्टिग्मा रहेगा, सभी का अलग अलग रहेगा, एक ही नहीं रहेगा। कार्पल मतलब स्टाइल ओवरी स्टिग्मा, तब बन रहा है कार्पल, एक कार्पल। जब बहुत सारे कार्पल रहेंगे तो उसके लिए हम गाइनोसियम टर्म यूज करते हैं। समझा बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो यहां पे आपको जो ओवरी जो दिखाई दे रही है वो एक सिंगल ओवरी दिख रही है, सिंगल है मतलब क्या हो गया बेटा? ये मोनोकार्पलरी ओवरी है। ओके, चलो फाइनली अभी हम थोड़ा सा कंसेप्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर के समझते हैं, यहाँ पे हम लोगों को कौन कौन से कंसेप्ट देखना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो इसमें अभी तक के हम लोगों ने जो भी कंसेप्ट देखे, जिसमें यहाँ पे फर्स्टली बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिसे एंड्रोसियम कहते हैं, इसका जो यूनिट होता है वो क्या कहलाता है बेटा? स्टामेन कहलाता है। ठीक है, स्टामेन के बाद क्या डाउट आ रहा है बेटा अभी? सर पॉलीकार्पलरी और मल्टीकार्प, हाँ पॉली और मल्टीकार्पलरी एक ही है बेटा। ठीक है, पॉली कह लो या फिर मल्टी कह लो, वो क्या रहेंगे? एक ही रहेंगे। तो ये समझा बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो क्या कहलाएगा? एंड्रोसियम, उसका यूनिट जो होता है स्टामेन, स्टामेन जो होता है इसमें हमने क्या देखे? एंथर और फिलामेंट देखे। इसी को बेटा लोअर प्लांट मीन्स ब्रायोफाइट्स की हम बात करें या फिर टेरिडोफाइट, तो वहां पे इसके लिए टर्म यूज होता है टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म, उसके लिए इसे रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स। हम प्लांट किंगडम जब स्टडी करेंगे तब आपको और भी अच्छे से समझेगा। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंथर जनरली जो होता है कैसा होता है? बायलोब,
जिसमें दो थीका प्रेजेंट होते हैं जो कंडीशन कहलाती है डायथीकस। ये सारा पार्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको कंसेप्ट में समझाया, उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, डायग्राम देखो बेटा एंथर का, ये एंथर दिख रहा है जिसमें आपको ये फिलामेंट दिखाई दे रहा है, ऊपर साइड आपको इस तरह से दो एंथर दिख रहे हैं। इस एंथर को हम यहाँ से ऐसा कट करेंगे, जब इस एंथर को हम लोग यहाँ से ऐसा कट करेंगे और जब यहाँ पे हम देखेंगे तो हमको इस तरह से जो है ये कंडीशन दिखाई देती है जिसे कहते हैं बेटा पॉलन सैक। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसमें अंदर साइड जो प्रेजेंट होते हैं, जहां पे क्या कह सकते हैं पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, उसे कहते हैं पॉलन सैक। क्या होता है, थोड़ी देर के बाद वाला भी पार्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, अगेन एक डायग्राम से समझ लो एंथर क्या है और फिलामेंट क्या है और पॉलन सैक क्या होता है। पॉलन सैक मींस, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक डायग्राम बताया था, इस डायग्राम में इस तरह से समझाया था मैंने कि इस तरह से यदि हम डायग्राम बनाएंगे, मिस्टेक हो गया जस्ट वेट। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं तो ये एक थीका हो गया, ये दूसरा थीका हो गया, ये इधर साइड का, ये दोनों बेडो। तो यहाँ पे देखो बेटा, यदि हम देखें तो ये ऐसी कंडीशन है, समझ रहे हैं? तो इधर साइड का ये एक लोब हो गया, इधर साइड ये दो लोब हो गया दूसरा वाला। इसमें ये जो है एक साइड वाला ये वाला पार्ट, इसका एक थीका ये है और ये दूसरा थीका है, समझ गए? फिर इसके इनसाइड में बेटा इस तरह से फोर डिफरेंट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा और ये भी कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये देखो डायग्राम में जो समझा रहा था ना अभी आप लोगों को, एज इट इज सिमिलर, इसी तरह से है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलेगा। ओके, तो ये जो कंडीशन है मींस यहाँ पे मैं आपको एक्चुअली क्या बताना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे देखो सपोज ये प्लांट है, ये प्लांट एक ट्री है या जो भी समझ लो आप, जो जनरली कैसा होता है डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड होने के बाद इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। ठीक है, मियोसिस होने के बाद यहाँ पे जैसे फ्लावर जो है, ठीक है, तो उसमें एक स्पेशल टाइप के सेल्स होती है जो क्या करता है, मियोसिस करता है। मियोसिस करने के बाद यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आफ्टर द मियोसिस यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है स्पोर्स। अब स्पोर्स जो है बेटा छोटे साइज के भी हो सकते हैं, बड़े भी। जो छोटे स्पोर्स होते हैं उसको माइक्रोस्पोर कहते हैं, और माइक्रोस्पोर मीन्स जो फॉर्म करता है वो कहलाता है मेल गैमेट्स, मेगा स्पोर को फीमेल गैमेट कहते हैं। तो ये स्पोर्स बने, स्पोर्स बनने के बाद आगे यहाँ पे क्या होगा बेटा, माइटोसिस होगा। क्या होगा यहाँ पे, माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद या तो स्पोर्स जो फॉर्म होंगे, तो माइटोसिस करने के बाद फाइनली यहाँ पे या तो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगा या फिर मेगा स्पोर प्रोड्यूस करेगा। अब माइक्रोस्पोर रहा तो ये भी हैप्लोइड रहेगा, मेगा स्पोर रहा तो ये भी हैप्लोइड रहेगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर जो है ये क्या हो गया, गैमेट। माइक्रोस्पोर जो है ये क्या हो गया, मेल गैमेट, और मेगा स्पोर जो हो गया इसे क्या कहेंगे, फीमेल गैमेट। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे हम लोग जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसमें ये एक साइड का ये वाला पार्ट जो है ये सिंगल थीका है, ये दूसरा थीका है, ये दूसरा साइड का लोब है उसमें भी दो थीका हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर जहां पे माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर प्रेजेंट होगा, बट ये हम लोग जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं, एंथर का देख रहे हैं। तो बताओ एंथर में मेगास्पोरेंजियम होगा, मेगास्पोर होगा या फिर क्या होगा, बताओ, रिस्पॉन्स करो जल्दी से चैट में। बहुत देर से आपका मैंने रिस्पॉन्स भी नहीं देखा, वेरी गुड बेटा, ग्रेट। हाँ, जब कट करते हैं बेटा तो फोर यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। तो अब देखिए बेटा, जब एंथर को ऐसा कट किया है, मैंने ये डायग्राम दिखाया ना आपको, देखो यहाँ पे जो है ये समझो, पहले यहाँ पे देखो ये क्या दिया, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम में हम लोगों ने एंथर को कट किए हैं। कहाँ से कट किए बेटा, हम लोगों ने यहाँ पे इसको इस तरह से कट किए। जब कट करेंगे हम लोग तो यहाँ पे ऊपर से जब हम देख रहे हैं तो हमको ऐसे चार वहां पे क्या है, राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें देखो आप ये समझो ना बेटा, ऐसा ये वाला जो पार्ट है ये एक साइड का लोब है,
इधर साइड वाला जो पार्ट है दूसरा लोब है, दूसरा लोब के बाद ये एक थीका है, फिर ये एक थीका है। डायग्राम तो मैंने ऐसे ही बनाया यहाँ पे, देखो अब आपको समझ रहा हूँ उस डायग्राम के इमेजिनेशन से, अब समझ रहा हूँ क्या बनाया मैंने, समझ में आया ना, क्लियर हुआ? हाँ, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बेटा, ओके ठीक है। अब देखिए इतना पोर्शन होने के बाद यहां पे क्या चीज, देखो यदि मैं आपको बताऊं ये ऐसा है ना, तो ये हमारा फर्स्ट लोब हो गया और ये जो है ये सेकंड लोब हो गया। फिर ये सेकंड लोब में ये एक थीका है, ये एक थीका है, ये एक थीका, ये एक थीका, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। समझ रहे हैं अभी आप लोगों को, इस तरह से क्लियर हो गया। एंडोसियम में फीमेल गैमेट कैसे फॉर्म होगा? बेटा एंडोसियम में फीमेल गैमेट नहीं बन रहा है, ये मैंने एक प्लांट बताया था, प्लांट है ट्री, उसमें मियोसिस होता है, मियोसिस के बाद स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, फिर माइटोसिस होगा, उसमें या तो माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर बनेंगे। मेगास्पोर मतलब फीमेल गैमेट रहेगा। यहाँ पे हम लोग एंडोसियम देख रहे हैं, मैंने क्वेश्चन भी पूछा थोड़ी देर के बाद, ठीक है, जिसने आंसर दिया उसने माइक्रोस्पोर बताया। अब माइक्रोस्पोर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो माइक्रोस्पोर जहाँ प्रेजेंट होते तो वो कंप्लीट जो पार्ट जहाँ पे माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, क्या कहेंगे इसे। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, ओके क्या कहलाएगा ये, माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो ये ऐसा एक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर क्या कहेंगे बेटा, इस तरह से ये स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब ये जो स्पेशल टाइप की जो सेल्स यहां पर प्रेजेंट है, मतलब देखो एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजियम रहेगा, तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजियम रहेंगे, एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम रहेंगे। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है इसमें एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, ये स्पेशल सेल्स आपस में जब ज्वाइन होती है तो एक स्पेशल टाइप का टिश्यू फॉर्म करता है और इस टिश्यू को स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। इस टिश्यू को क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। और स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ये आगे चल के डेवलपमेंट करके क्या प्रोड्यूस करता है, इससे फॉर्मेशन होगा किस चीज का, पॉलन ग्रेन का। ये क्या बना रहा बेटा, ये फॉर्म कर रहा है पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन कहां प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम में। इसलिए इस माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए यदि अनदर टर्म यूज करूं मैं तो इसे क्या कह सकता हूं मैं, पॉलन सैक। समझ में आ गया, इसी को हम क्या कह सकते हैं, पॉलन सैक। देखो यहां पे ये डायग्राम में एक ये जो टर्म रिप्रेजेंट किया है, इधर का डायग्राम ये देखो, ये पॉलन ग्रेन है, हाईलाइट कर दे रहा हूं, जस्ट वेट, ये पॉलन ग्रेन है। इस पॉलन ग्रेन में यहाँ पे मतलब पॉलन ग्रेन कहाँ प्रेजेंट है, पॉलन सैक में प्रेजेंट है, दिखाई दे रहा है ना बेटा। तो ये पॉलन सैक मतलब यहाँ पे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट हो सकते हैं, क्लियर हो गया। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता मालूम चला बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू मतलब एक ऐसा टिश्यू जहां पे स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस कर सकती है, जिससे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ। स्पोरोजिनस टिश्यू पॉलन ग्रेन नहीं है, सेल का नाम स्पेशल सेल्स है, वो स्पोरोजिनस सेल्स कह सकते हैं उसको, जब वो स्पोरोजिनस टिश्यू है तो वो स्पोरोजिनस सेल्स कहलाएगा। ओके हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, हो गया बेटा निकेत, एक बार रिपीट करना है, वॉइस ब्रेक हुआ था, वैष्णवी नर, ठीक है बेटा बता दे रहा हूं। ओके चलो रिवाइज करा दे रहा हूं मैं, क्या क्या समझाया मैंने, ठीक है। ये वाला पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका नीड नहीं है, ये हम हटा देते हैं, मियोसिस माइटोसिस वाला, ठीक है। अभी यहाँ पे बेटा हम क्या समझ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्टामेन। स्टामेन जो होता है ये कंसिस्ट होता है दो पार्ट में, एक होता है फिलामेंट, दूसरा आता है एंथर,
प्लांट में एंथर कैसा है बेटा? बाइलोब है, क्योंकि इस तरह से इसमें दो लोब प्रेजेंट होते हैं। कैसे दो लोब है? ये इस तरह से इसमें ये एक लोब ये है और ये एक लोब है। फिर एक लोब में इस तरह से दो थीका प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? डायथेकस कंडीशन कहते हैं। फिर डायथेकस कंडीशन में ये फर्स्ट सेकेंड मैंने यही बताया कि ये वाला एक लोब है जिसमें दो थीका है, ये वाला दूसरा लोब है इसमें टू थीका है, तो ये सेकेंड वाला पार्ट इसका भी काम हो गया, समझ गए। फिर उसके बाद देखिए ये जो थीका जो प्रेजेंट है इस थीका में, मतलब फोर जो कंडीशन जो दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे फोर डिफरेंट टाइप का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जहां पे पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे क्या कहते हैं? पोलन सैक, या फिर इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजेनस टिश्यू होता है जो क्या करेगा? पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब पोलन ग्रेन का ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन करना है तो ये सेल्स को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो सेल्स है वो कैसे सेल्स है? ये डिप्लॉयड सेल्स प्रेजेंट होंगी जिसे पोलन मदर सेल्स कहते हैं, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी के टर्म से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब एक काम करते हैं, इसके अंदर जो सेल्स उसको डिवाइड करना है तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? तो इस सेल के सराउंडेड हर एक टिश्यू में यहाँ पे इस तरह से ये जो है यहाँ पे इस तरह से एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, समझ गए। ये वाला डायग्राम मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है, साइड व्यू से। तो यहाँ पे देखो ये एक सिंगल डायग्राम बना रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। अंदर वाला ये हो गया ग्रीन वाला, एक ग्रीन वाला जो स्ट्रक्चर है क्या हो गया बेटा? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के बाद यहाँ पे एक लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे बेटा ऐसा दो न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिसे कहते हैं टेपेटम। नाम सुने होंगे आपने, ठीक है, क्या कहलाता है ये? टेपेटम। माइक किसी का क्या डाउट आया? अनुष्का, माइक्रो मैक्रो पार्ट रिपीट कर देता हूँ बेटा। स्पोरोजिनस टिश्यू से पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं, हाँ बेटा, स्पोरेंजियम टिश्यू से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है बता रहा हूं मैं, ठीक है, वैसे बेटा समझ में आ गया आपको। अनुष्का रिपीट कर दे रहा हूँ थोड़ी देर के बाद। वन माइक्रो साहिल बेटा क्लियर करवा दूंगा वो वाला भी पार्ट। अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बेटा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, ओके। तो एंथर के सेक्शंस को जब हमने कट किए, कट करने के बाद चार हमको पोलन सैक दिख रहे हैं। एक पोलन सैक जो होता है मींस माइक्रोस्पोरेंजियम, यदि इसके अंदर जो सेल्स है उसको डिवाइड करना है तो न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? तो वहां पे एक लेयर होती है एक टिश्यू का, एक सेल का स्ट्रक्चर बना होता है जिसे टेपेटम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो एक बार डायग्राम में, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। कहां तक के हम पहुंच गए अभी तक के? तो इसमें पहली चीज तो क्या चीज, टिपिकल एंथर में फोर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है जिससे क्या डेवलप हो रहा बेटा? पोलन सैक, ये बताया मैंने आप लोगों को। फिर इसी के बाद देखिए क्या चीज, टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर जो है डायथिकस होता है, डायथिकस बट चार स्पोरेंजिया यहाँ बने रहते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं? टेट्रा स्पोरेंजिएट कहते हैं। फिर पोलन ग्रेन फॉर्म कहाँ हो रहा है बेटा? इनसाइड द पोलन सैक। कौन सा डिवीजन होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे होता है बेटा पहले मियोटिक डिवीजन, ठीक है, पोलन मदर सेल का। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे माइटोसिस। कैसे होता है वेट करना पड़ेगा ये समझाने के लिए, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपको। ये वाला इन एडिशनल टू एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है बेटा, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथर जो है ये कैसा होता है बेटा? मोनोथिकस और बायस्पोरेंजिएट होता है। किसमें? मालवेसी फैमिली में। दुष्यंत बेटा आपका एक डाउट था लास्ट टाइम, तो देखो मोनोथिकस एंड बायस्पोरेंजिएट, जनरली अभी हम लोगों ने देखे यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया चार प्रेजेंट है एंजियोस्पर्म में, तो इसके लिए टर्म यूज होता क्या चीज? टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने एंथर का स्ट्रक्चर देखे बेटा, तो एंथर का जब ट्रांसफर सेक्शंस जब कट करते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो बेटा, ठीक है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम में दिखाया क्या है वो देखते हैं। चलो अब यहाँ पे देखिए वन बाय वन सारी चीजों को हम समझेंगे और एक एक चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये वाला जो लेयर है ये क्या हो गया बेटा? टेपेटम। टेपेटम समझा ना, ये वाला लेयर, ये
अंदर जो सेंसेस के बाहर का एक जो लेयर होता है ये क्या कहलाएगा, टेपेटम कहलाएगा, ठीक है। हाँ इनर मतलब देखो बेटा ये किसका, माइक्रोस्पोरेंसिया का आउटर लेयर है, लेकिन ये जो आउटर मोस्ट जो बाहर की आपको जो बाउंड्री दिखाई दे रही है ना, ये जो ब्लू कलर से है इस तरह से, तो यहाँ पे भी एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है बेटा, ये वाला जो है ये भी एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो ये जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है जिसे इपिडर्मिस कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर जो है बेटा, प्रोटेक्टिव फंक्शंस जिसका रहेगा वो होता है इपिडर्मिस। देखो इपिडर्मिस ये यहाँ पे आपको इसमें दिख रहा है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर, जो क्या है बेटा, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर के बाद सेकंड लेयर आती है इसमें, रेड कलर से बनाता हूं मैं, ये वाले इसके जस्ट नीचे ये वाली लेयर को एंडोथेलियम कहते हैं। बाद में लेयर होती है बेटा जो 2-3 लेयर होता है ये वाला, इसे कहते हैं मिडल लेयर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा सीक्वेंस, जो एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन जब कट करते हैं तो उसका सीक्वेंस कैसे होता है, तो इपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर और फिर टेपेटम लेयर आती है, समझे। इस तरह से 4 लेयर्स होती है और उसके अंदर स्पोरेंजियम रहता है जिसमें पोलन ग्रेन्स मतलब माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर आता है। तो यहाँ पे क्या है बेटा याद रखना, जैसे पीएमटी होता है ना ऐसे ईएमटी याद रखना, ई का स्क्वायर, तो इपिडर्मिस एंड एंडोथेलियम, फिर मिडल लेयर, फिर टेपेटम, क्योंकि इसके पहले स्टूडेंट ने मिडल लेयर कहाँ होती है इसको लेके कंफ्यूज हुए, तो मिडल लेयर जो है पहले वाली को बता देते हैं लोग, समझ गए। तो ऐसा नहीं करना, देखो ये इपिडर्मिस हो गई, फिर एंडोथेलियम हो गई, फिर मिडल लेयर, मिडल लेयर बेटा ऐसे 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है, और फिर अंदर ये आता है टेपेटम, इपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर, टेपेटम, फिर स्पोरोजेनस टिश्यू जहां पे प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स, ऐसा स्ट्रक्चर एक एनसीईआरटी ने बताया भी आपको, समझ में आ गया। इतना पार्ट समझा सभी को, किसी को कुछ पूछना है, एंडोथीसियम की जगह एंडोथेलियम कहां बेटा, ये एंडोथेलियम ही है, एंडोथीसियम नहीं है, ये लेयर के नाम देख रहे हैं हम लोग, गलत नहीं है, समझ में आ गया। किसी का कोई डाउट दिख रहा है मुझे, और आपने दुष्यंत बेटा समझा क्या, दुष्यंत क्या था आपका, एंडोथेसियम नहीं आएगा बेटा, एंडोथेलियम आएगा, एंडोथेसियम नहीं है वो, ओके। चलो आगे बढ़ते, लेयर्स देख रहे हैं ना बेटा, एंडोथेसियम मीन्स क्या होता है, एक अलग टर्म हो गया ना, एनसीईआरटी में एंडोथेसियम दिया है, जस्ट वेट, इपिडर्मिस हो गया, ये देखिए यहां पे इसमें दिख रहा है कि आपको लेयर डायग्राम में, एंडोथेसियम, थेसियम ही है, एंडोथेसियम, एंडोथेलियम, हाँ बेटा चलो ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिया वही उसी पे आते हैं, एंडोथेसियम, ओके ठीक है। अभी एंडोथेसियम क्या हो गया हमारा, सेकंड लेयर हो गया, फर्स्ट लेयर इपिडर्मिस, एंडोथेसियम, फिर मिडल लेयर, और फिर क्या आएगा, इनर मोस्ट लेयर, टेपेटम। सभी के फंक्शंस वन बाय वन हम सारी चीजें समझेंगे, इपिडर्मिस प्रोटेक्टिव फंक्शन है, टेपेटम क्या कर रहा है बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, किसे, जो डेवलपिंग जो हमारा पोलन ग्रेन्स जो है ना, मतलब उसके जो फॉर्मेशन जो होता है, एमएमसी जो होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि प्रॉपरली वहां पर डेवलपमेंट हो पाए, ओके क्लियर हुआ यहां तक के, हाँ बेटा ईश्वरी ओके करेक्ट हो गया, ठीक है। अब एग्जाम में पूछ सकते हैं टेपेटम कैसा होता है, टेपेटम बाय न्यूक्लिएटेड होता है, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं बेटा सेल में, ये याद रखना है आप लोगों को, ओके। ठीक चलो, तो आगे बढ़ते हैं अभी कहां पे, हाँ अभी देखिए
यहां पे अब क्या होगा, जैसे कि सपोज इसके अंदर ऐसे बहुत सारी सेल्स हैं, समझ गए? अब यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट कैसे होता है वो देख रहे हैं। तो सपोज ये एक सिंगल सेल को हम ले रहे हैं, इस स्टेपेटम के अंदर ऐसे बहुत सारी सेल्स हैं, तो एक हम सिंगल सेल को ले रहे हैं जिसको एमएमसी कहते हैं या फिर पीएमसी। एमएमसी और पीएमसी समझ रहे ना, एमएमसी और पीएमसी मतलब पॉलन मदर सेल्स या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कैसी रहेंगी, डिप्लॉइड रहेंगी, 2n प्लॉइडी लेवल रहेगा इसका। फिर सबसे पहले प्लॉइडी लेवल जब 2n रहता है तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे बताओ, मियोसिस होगा। अभी कुछ दिन पहले हम लोग मियोसिस का स्टडी करके आ रहे बेटा। मियोसिस के बाद जो पॉलन मदर सेल्स है एमएमसी, ठीक है, ये क्या करता है बेटा, मियोसिस के थ्रू यहाँ पे फोर सेल्स में डेवलप होगा, 1 2 3 4 इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, फोर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो हमेशा याद रखना जो यहाँ पे फोर सेल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है मियोसिस के थ्रू, तो इस तरह से ये जो फॉर्म हुआ, अभी सेल्स देखो अलग नहीं हुई है बेटा, साथ में चिपकी हुई है, ये इसके अंदर ही हम देख रहे हैं प्रोसेस कैसा हो रहा है। तो इसे कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहलाएगा। अभी इसी के अंदर पॉलन मदर सेल्स ने मियोसिस किया और फोर सेल्स में जो डिवाइड किया, दोनों भी सेल्स जब आपस में चिपकी रहेंगी, साथ में रहेंगी, तो ये क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो आगे चल के माइटोसिस करने के बाद अलग अलग डिवाइड होंगी, जिससे पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया? तो एक जो प्लांट बॉडी है बेटा, ये वाला हम एक ट्री की बात करें जो कि डिप्लॉइड होता है, और ये क्या चीज, पॉलन ग्रेन्स को जो बना रहा है, तो ये जो बेटा ये क्या बना रहा है, स्पोर्स बना रहा है। तो प्लांट बॉडी एंजियोस्पर्म का कैसा होता है, स्पोरोफाइट होता है। इसके पहले मैंने स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट बताया ना, ठीक है। प्लांट में हर बॉडी बेटा स्पोरोफाइट नहीं होती, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो गैमेटोफाइट भी होते हैं, बट एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट मतलब जो स्पोर्स का प्रोडक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर या फिर मेगास्पोर बना रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉइड है। तो यहाँ पे इसमें जो सेल्स होंगी क्या रहेंगी, मेगास्पोर या पॉलन मदर सेल्स रहेंगी, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड है, मियोसिस करके टेट्रास्पोर, क्या चीज, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाया इसने। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर यहां तक के? हेलो, आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट देखिए। ओके, अभी देखिए यहाँ पे ये जो प्रोसेस हुआ, तो इस प्रोसेस में जैसे ये जो टेपेटम के अंदर जो हमारा एमएमसी जो है, तो देखो ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, इसके अंदर इस तरह से फोर सेल, 1 2 3 4, इस तरह से ऐसा बहुत सारा जो है सेल बन गया। ये जो है बेटा इमेच्योर एंथर है, इमेच्योर पॉलन ग्रेन हम कह सकते हैं, समझे। जब मैच्योर होगा तो मैच्योर के टाइम पे क्या हो जाएगा, जैसे ये मैच्योर हुआ तो ये सेल्स जो मतलब पॉलन ग्रेन्स जो बने हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो फॉर्म हुआ है, ये ऐसा क्या होगा, सारे के सारे अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे ये सारे के सारे। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा बेटा, ये सारे सेपरेट हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक्चुअली प्रोसेस कैसे होता है, ये चार जो माइक्रोस्पोर्स बन रहा, मतलब एक सेल से फोर माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। पहले माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था, ठीक है, उस टाइम पे पॉलन ग्रेन जो था, पॉलन से पॉलन ग्रेन जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, इमेच्योर रहेंगे। फिर अभी क्या हो गया, ये सेपरेट हो गया, मीन्स यहाँ पे अभी क्या हो गया, ये मैच्योर हो गया। ओके, क्लियर हुआ, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए अब हर एक के पास अपना खुद का एक न्यूक्लियस है, इसके पास अपना न्यूक्लियस है, इसके पास सभी का, सबका प्लॉइडी लेवल क्या रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। अभी तक के हमने जो देखे थे तो पॉलन मदर सेल का प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइड था, अभी यहाँ पे इसका जो प्लॉइडी लेवल जो रहेगा वो क्या रहेगा, हैप्लॉइड। वाइस ब्रेक हो रहा है बेटा, बाकी सभी लोगों के साथ रिस्पांस करो एक बार। क्लियर है, पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड रहेगा, हाँ, एंथर मेल गेमेटोफाइट नहीं बेटा। अब देखिए यहाँ पे जो प्लांट बॉडी जो थी वो स्पोरोफाइट है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि जो पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन जब होता है तो इसमें गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी कौन सी होती है, तो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी जो पॉलन ग्रेन्स जो होता है ना वो गैमेटोफाइट है, जिससे दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, अभी माइटोसिस नहीं हुआ है, और
पहली चीज तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि जब एंथर जो है वो कितने बार मियोसिस और कितने बार माइटोसिस करेगा जिससे मेल गैमेट बनते हैं, और मेल गैमेट कितने बनते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने जो देखे, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से इस तरह से टेट्रा क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, माइक्रोस्पोर टेट्राड अब एक सिंगल इसमें डिवाइड हो गया। अब ये जो एक सिंगल इसमें जो डिवाइड हुआ जो कि हैप्लोइड है, ये आगे चल के इसने क्या बनाया, ये जो बना ये क्या बना, पॉलन ग्रेन बना, समझा, ये क्या बना, पॉलन ग्रेन। अभी पॉलन ग्रेन हवा में उड़ते हुए गए और स्टिग्मा पे जाके चिपक गए, चिपके, अब पॉलन ट्यूब बनेगा। तो ये जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन में अपना खुद का एक न्यूक्लियस है, अभी तक के पहले एक बार मियोसिस हो चुका है, अब यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा, क्या होगा अभी यहाँ पर, माइटोसिस। अब इतना समझा, ये सब हटा दू, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है, पॉलन ग्रेन बढ़ गया, वो रप्चर हुआ, ये जो वॉल है ना ऐसी रप्चर हो जाती है, रप्चर होने के बाद एनसीईआरटी ने ऐसा बताया कि पॉलन ग्रेन्स यहाँ से ऐसा डिस्पर्ट करते हुए बताया हुआ है, ठीक है, उसका भी रीजन हम समझेंगे, ठीक है, आगे समझते कितना, 5 मिनट और थोड़े से कंसेप्ट देख लो, फिर ये वाला पार्ट हम आगे के लेक्चर में रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है बेटा। हेलो, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करना, हम लोगों को डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कैसे क्या होता है, ये भी हम समझेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे आगे का जो पोर्शन है, मीन्स यहाँ पे ये जो है ये हो गया पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन पे अपना एक न्यूक्लियस है, इसने क्या किया, माइटोसिस, माइटोसिस करने के बाद देखो अंदर एक जो है ऐसे टू सेल्स बनता है, एक सेल दूसरी सेल में तैर रहा है बेटा, स्विमिंग कर रहा है, ऐसा अलग अलग नहीं होता, क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़े, एक सेल जब डिवाइड होती है तो ऐसा दो सेल्स बनता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। पॉलन ग्रेन्स जब माइटोसिस करता है तो माइटोसिस करने के टाइम पे बेटा एक यहाँ पे मतलब इस तरह से टू सेल्स जो बन रहा है, तो एक जो सेल्स जो रहेगा ये लार्ज वाला सेल रहेगा और दूसरा वाला जो सेल्स रहेगा वो स्मॉल वाला रहेगा, इस तरह से दो न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, बट एक सेल उसी के अंदर है, तो जो लार्ज सेल जो होता है इसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल, और स्मॉल वाला जो रहता है वो क्या रहता है, जनरेटिव सेल। ये मेन सेल है बेटा जो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कौन सी सेल से होता है, तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है जनरेटिव सेल से। वेजिटेटिव सेल्स को ट्यूब सेल्स भी कहते हैं क्योंकि ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। अभी पॉलन ट्यूब क्या होता है ये भी हम समझेंगे आगे। वेजिटेटिव सेल्स को ट्यूब सेल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा वेजिटेटिव सेल्स को, वेजिटेटिव सेल्स को ही ट्यूब सेल्स कहते हैं, ओके। हाँ, जनरेटिव सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स, जब पॉलन ग्रेन ने माइटोसिस किया तो ये हुआ, अब जनरेटिव सेल्स अगेन माइटोसिस करेगा, और अगेन माइटोसिस करेगा तो इस तरह से यहाँ पे एक सेल दूसरा सेल और तीसरा सेल, तीन सेल बन गए। तो अब देखिए कभी कभी जो पॉलन ग्रेन आगे जब प्लांट में पॉलिनेशन जब होता है ना, तो पॉलन ग्रेन उड़ के जब जा रहे हैं तो 60% प्लांट फैमिली ऐसी होती है बेटा, 60% पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो टू सेल स्टेज में ही चले जाते हैं, और बाकी के बच्चे 40% जो होते हैं बेटा वो थ्री सेल स्टेज में जाते हैं। ये एक और क्वेश्चन है बेटा, 40% कितने हैं, टू सेल है ना ये वाला, फिर 30% जो रहते हैं, 40% जो होते हैं वो थ्री सेल स्टेज, थ्री सेल स्टेज मतलब जनरेटिव सेल्स अगेन माइटोसिस करता है तो दो मेल गैमेट बनाता है, तो ये दो मेल गैमेट, दो गैमेट से दो सेल से जनरेटिव सेल्स का डिवाइड वाला और एक वेजिटेटिव सेल्स, ये थ्री सेल स्टेज हो गई। 40% पॉलिनेशन थ्री सेल स्टेज में होता है, 60% पॉलिनेशन टू सेल स्टेज में होता है, ओके, क्लियर हुआ क्या बेटा, जल्दी से बताओ, आगे बढ़ते हैं फिर। ये था मेन कंसेप्ट, क्लियर है, ओके, वेरी गुड। अभी देखिए यहाँ पे ये जो सेल्स जो फॉर्म हुई है इस तरह से, ये एक है, एक वेजिटेटिव सेल्स है, उसके अंदर ये सेल्स ऐसी जो डिवाइड हुई है कि ये और एक ही है, तो इसमें बेटा चारों तरफ प्रोटेक्टिव एक लेयर बन जाएंगे, ऐसे एक ये अंदर का लेयर रहेगा जिसे एंटाइन कहते हैं, ओके, क्या कहलाएगा, एंटाइन, और इसके बाहर का एक लेयर होता है जो एक्साइन कहलाता है, ठीक है, ये तो आपने पढ़े होंगे, वेरी गुड। तो इंटाइन और एक्साइन की यदि हम बात करें
इंटाइन जो बेटा सेलुलोज और पैक्टिक कंपोनेंट से बना होता है, किससे बना है? सेलुलोज और पैक्टिक कंपोनेंट। बट एक्साइन आपको याद होगा बायोमोलिक्यूल में मैंने हार्डेस्ट सब्सटेंस बताया था प्लांट के लिए, क्या होता है बेटा हार्डेस्ट सब्सटेंस प्लांट के लिए? देखते किससे याद आ रहा है, रिस्पॉन्स करो जल्दी से। वेरी गुड सुजन, क्या है बेटा? स्पोरोपोलिलीन। ये स्पोरोपोलिलीन की वजह से प्लांट बेटा कई सालों तक जो पॉलन ग्रेन्स है ना, थाउजेंड ऑफ ईयर भी हम कह सकते हैं, मिलियन ऑफ ईयर तक के भी पॉलन ग्रेन्स जो है उसे कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये स्पोरोपोलिलीन जो है आज तक के किसी भी एंजाइम और किसी भी एसिड से डिग्रेड नहीं हो पाया है। हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर होती है। हाँ लेकिन बेटा इसमें देखो, अब आप बोलोगे कि ये सर ये गैमेट बाहर कैसे आएगा, तो गैमेट जो बाहर आएगा बेटा तो जगह जगह पे यहाँ पे इस तरह से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसे जर्म पोर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जर्म पोर कहते हैं। और ये जो जर्म पोर्स जो है इसकी हेल्प से ये जो मेल गैमेट्स है ये क्या होते हैं बेटा, बाहर निकलते हैं। और एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा कि पॉलन ग्रेन्स जो है इसका जो स्टडी होता है ये क्या कहलाता है, तो पैलिनोलॉजी जो है याद रखना। क्या चीज? पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ओके, एक एडिशनल टर्म है बेटा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये याद रखना है। पैलिनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। यहां तक के समझ में आ गया, क्लियर हो गया सारे पॉइंट्स? अब हमने पॉलन ग्रेन्स बना लिए हैं, एक्साइन इंटाइन क्या होता है ये हमने समझ लिए हैं और सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। ओके, चलो तो यहां तक के जो भी कंसेप्ट था आज हमने देखे, आगे का पोर्शन फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कैन यू रिपीट माइक्रो एंड, हाँ माइक्रो और मैक्रो वाला पार्ट अनुष्का को डाउट आ रहा है, सभी लोग रुको बेटा, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है मैं रिवाइज करा देता हूँ सभी लोगों के लिए। देखिए माइक्रो मैक्रो वाला जो पार्ट है वो रिवाइज करा दे रहा हूँ। जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी आती है ठीक है, इसका बेटा कुछ पार्ट हम लोग प्लांट किंगडम जो है ना वहां पे भी पढ़ेंगे ठीक है। तो भी देख लो यहाँ पे, पहली चीज तो हम लोगों ने यहाँ पे जो देखे, जैसे कि प्लांट की यदि हम बात करें, सपोज ये प्लांट है ओके, इस प्लांट में ये फ्लावर है। अब ये फ्लावर जो होता है इसमें प्रेजेंट है क्या चीज? माइक्रोस्पोरेंजिया ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है जो कि कैसा होगा? डिप्लॉइड, क्योंकि प्लांट भी क्या है? डिप्लॉइड है। और प्लांट क्या है बेटा? स्पोरोफाइटिक बॉडी है। स्पोरोफाइटिक क्यों बोले? क्योंकि स्पोर्स बना सकता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या बन रहा है? माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर कैसे बन रहे? क्योंकि यहां पे प्रेजेंट है एमएमसी जो कैसी है? डिप्लॉइड है। तो ये क्या करेगा? मियोसिस करेगा। तो मियोसिस की हेल्प से क्या बना रहा है? ये बना रहा है माइक्रोस्पोर्स ठीक है। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। तो ये माइक्रोस्पोर्स का जो फॉर्मेशन जो हो रहा है मीन्स यहां पे क्या होगा भी? ये जो माइक्रोस्पोर्स है क्या होगा इसमें? माइटोसिस होगा। माइटोसिस की हेल्प से माइक्रोस्पोर्स जो है ये क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन बनाएगा। समझ में आ गया? पॉलन ग्रेन अगेन यहां पे माइटोसिस करेगा, इससे क्या बनेगा? मेल गैमेट बनेगा। अभी आपको यहाँ पे जो डाउट आ रहा था बेटा मैक्रो और माइक्रो पार्ट, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस होके माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होना ठीक है। और माइक्रोस्पोर जब आगे चल के कंटिन्यू डेवलप होता है तो मेल गैमेट्स बनाता है। तो माइक्रोस्पोर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। और मेगास्पोर जो होता है वो क्या करता है बेटा? फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। इतना समझा? तो इसमें बेटा जो प्लांट है, प्लांट में ये स्पोरोफाइटिक हो गया, और गैमेटोफाइटिक पार्ट कौन सा होगा? तो गैमेटोफाइटिक पार्ट बेटा पॉलन ग्रेन्स है ठीक है। तो इससे हम स्पोरोफाइट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी है। ये क्या कहलाएगा? स्पोरोफाइट्स। तो ये स्पोरोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स म्यूसिस कर रहा है, देन क्या बना रहा है? पॉलन ग्रेन्स बना रहा है ठीक है। मतलब यहाँ पे स्पोरोफाइट म्यूसिस करेगा और म्यूसिस करने के बाद यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा? स्पोर्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं?
स्पोर्स, और स्पोर्स जब बेटा माइटोसिस करेगा तो गैमेट बनेगा, जिसको क्या कहेंगे, गैमेटोफाइट बनाता है, इस तरह से आता है यहां पे, समझ में आ गया। तो पॉलन ग्रेन्स जो है ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये एडिशनल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका बहुत सारा पार्ट हमने उस दिन पढ़े थे ना, स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट होती है, गैमेटोफाइटिक डोमिनेंट होती है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं उसमें गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी से स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डोमिनेंट फेज डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड मतलब स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी यहां से स्टार्टिंग हो रही है, उससे स्पोर्स बन रहे हैं। क्लियर हुआ? माइक्रोस्पोरोफिल कंडीशन बेटा ये हम लोग, मैं पढ़ाऊंगा प्लांट 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 किंगडम, उसमें समझ में आ जाएगा। माइक्रोस्पोरोफिल मतलब ये एज इट इज सिमिलर टू माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में आएगा। अनुष्का समझा बेटा, मेल गैमेट बनाने के लिए वन मियोसिस दो माइटोसिस चाहिए, ये एक क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोरोफाइटिक बॉडी है जो कि डिप्लॉइड है। हाँ बेटा, और कुछ? उम्मीद करता हूँ एक एक कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब स्लाइड में यार बहुत सारी चीजें, बट अभी नहीं हो पाएगा बेटा, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। स्लाइड रिवाइज करा देता हूँ, चलो एक मिनट, एक डायग्राम रिवाइज करा देता हूँ पहले। देखिए अभी तक के हम लोगों ने क्या पढ़े बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है स्टडी किए थे, मैंने ये आउटर लेयर, सेकंड लेयर एंडोथीसियम था, फिर मिडल लेयर, टू टू थ्री लेयर होता है, और टेक्टम के बाद फिर अंदर जो लेयर होता है ये वाला, ठीक है। तो ये यंग एंथर का जो है एक व्यू है। एनिमेशन से आगे वाले लेक्चर्स में मैं आपको एनिमेशन से क्लियर करा दूंगा बहुत सारे पार्ट। पॉलन जो है गैमेटोफाइट होता है, ये डायग्राम हमने पढ़े हैं। हाँ कल फिर से स्लाइड जो है, नेट खत्म हो गया। हाँ बेटा नेक्स्ट टाइम मैं स्लाइड से रिवाइज करा दूंगा, ये एपिडर्मिस है, इसमें कुछ और पार्ट जो है, और एनिमेशन से ही कुछ, यहाँ पे देखो ये स्टोमियम और कैलोज वाला पार्ट नहीं पढ़ाया मैंने अभी, ठीक है, ये थोड़ा सा इन एडिशनल टू एनसीईआरटी है, ये पढ़ना है, ओके। और ये डायग्राम ये हम लोगों ने देख लिए, ये अलग अलग व्यू में डायग्राम है, ठीक है। ये मिडल लेयर है, उसके फंक्शन है, टेपेटम उसके फंक्शन है, ठीक है। कुछ एनिमेशन से पॉलन सैक क्या होता है, ये इसका स्टडी क्या होता है, बहुत सारी चीजें नेक्स्ट इसमें देखते बेटा हम लोग, ओके। चलो तो एंड करते हैं क्लास, किसी को डाउट पूछना तो पूछो पहले। पॉलन वियबिलिटी भी होने वाला है बेटा, पढ़ाऊंगा पॉलन ग्रेन्स का वियबिलिटी, मतलब कितने टाइम तक के सर्वाइव कर सकते हैं वो। चलो कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, आगे मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट मुझे बेटा अच्छा नहीं लगा, आप लोगों के स्कोर बहुत कम आए हैं, ठीक है। कलर्स बेटा वेरी गुड, आपने काफी अच्छा स्कोर किए हैं। कल्याणी ठीक है या कल्याणी ईश्वरी, दोनों में से कोई एक जो है वो अच्छा है। गौरव बेटा आप भी अच्छा नहीं कर रहे हो, क्लास में हो कि नहीं पता नहीं मुझे अभी, ओके। बट नेक्स्ट टाइम से उम्मीद करता हूं। दुष्यंत बेटा आपका भी स्कोर बहुत कम हो रहा है, आपका स्टडी कैसे चल रहा है डोंट नो, बट टेस्ट ही बेटा हमारा एक मेन रिपोर्टिंग है। दुष्यंत नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखो, स्कोर अच्छा करो। अनिकेत बेटा क्या प्रॉब्लम हुआ, आपने प्रॉमिस किए थे लास्ट टाइम मुझे, स्कोर कम क्यों हुआ बेटा, क्लास में भी इतना अच्छे से डिस्कशन लिया हूं मैंने। दिव्या रेवतकर बेटा आप इस बार बिल्कुल डाउन हो गए हो। दिव्या मयूरी, मयूरी है क्या, मयूरी नहीं दिख रही मुझे। देवे बेटा क्या प्रॉब्लम हुआ, कलर्स बेटा आपका मैसेज अभी दिख रहा मुझे, आप लगता गलत साइड मैसेज कर रहे थे। ओके अनिकेत का रिस्पांस नहीं मिला, चलो तो बेटा फिर फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आगे का पोर्शन हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। किसी को कुछ पूछना है अभी पूछ सकते हो, या फिर चैट में टेक्स्ट कर सकते हो, टाइम लेके कॉल कर सकते हो। चलो बाय बाय।